हे गाइस, कैसे हो आप लोग। नया बार नई दिन की शुरुआत हुएगी। मैं आपका समणी अंशी अंशी नेगी। तो चलो व्लॉग को शुरू। सो गाइस, अभी हो गया है सुबह का टाइम, 9 बज चुकी है और आज जाना था मुझे स्कूल, लेकिन मुझे सुबह में उल्टी हो इसीलिए थोड़ा उल्टी होने का कि पेट में भी दर्द हो रहा था, इसीलिए आज स्कूल कैंसिल। वरना मैं जा रही थी, तैयार हो गई थी, टिफ़िन रख दिया था, सब कुछ हो गया था, पर तबीयत हो गई ख़राब। और कल जाऊँ, कल छुट कल शिवरात्रि की छुट्टी है, परसों संडे है। सो दो दिन की छुट्टी और मिल गई है, मंडे को जाऊँगी सीधा। और आपको बताती हूँ मैं एक चीज़। सो गाइस, आज चाचा चाची का लेंटर पड़ रहा है जो वो दुकान बना रहे थे, तो आज जो भी होगा कार्यक्रम आपको बता चलेगा। और यहाँ पर मम्मी और दादी लगे हुए हैं। मम्मी काट रही है प्याज और ये पतीले में प्याज और प्याज रखा हुआ है, और दादी यहाँ पर छीन के उठा रही है। दादी क्या कहना है आपका, है दा क्या बोल में ना काम कर रही हूँ ना, मैं लेंटर पड़ रहा है। अच्छा, लेंटर कौन है वो, और काम बना रहे। और यहाँ पर चाची, इनका ही लेंटर पड़ रहा है। और वहाँ पर है लेंटर पड़ने वाला, मतलब वो है दुकान। यहाँ पर हमारा टाइटन है, यहाँ पर टाइटन, इसको तो हमेशा खेलने की सूझी हुई रहती है, हट देखो। और यहाँ पर रिया के हाथ पे आज चोट लग गई, दिखा रिया कहाँ पे कटा। ये चाकू से खेल रही थी और इसका हाथ कट गया। और यहाँ पर प्रिया भी चाकू से खेल रही है, उसको मना कर रहे हैं लेकिन ये खेल रही है। अब इसका हाथ भी कटने वाला है क्या, छोड़ दे, नहीं छोड़ रही है। और टाइटन इसको तो खेलना है बस। बने रहे व्लॉग में, देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर मैं मम्मी की हेल्प कर रही हूँ आटा गूंदने में। मैं यहाँ डाल रही हूँ पानी लो। पिया ये क्या जी, ये देखो गाइस, इस पे ये पता नहीं क्या कर रही है। मैं ऊपर आ गई हूँ और आप लोग को मैं यहाँ से अपनी स्कूल बताती हूँ। यहाँ से साफ दिख रही है हमारी स्कूल। गाइस, ये हमारा घर है ये वाला, और ये है हमारी स्कूल। जूम करती हूँ मैं, और यहाँ पे सारे स्कूल के स्टूडेंट्स प्रेयर कर रहे हैं और मैं यहाँ से ऊपर से वीडियो बना रही हूँ। टाइटन ए नागर मिथ में सही नहीं, और यहाँ पर मैडम लगाएंगी मुझ पर पिठाई, और ये मेरे को भली नहीं दे रही है यार, दे वाली खाड़ मैंने हो का, ये मुझे गुड़ नहीं दे रही है, हद है। जा निकल, जरा अच्छी पिठाई लो बोल रहे। हाँ दिखड़ो भी नहीं यार, एक तो यार घाम मेरी। ये बन गई हमारे केचियू की सब्जी, थी आलू गोभी की सब्जी मम्मी ने बनाई। वाह, और ये आटा भी गूंद लिया मम्मी ने, तन गूंदी आटा ने तो गूंदी सब्जी और आटा गूंद लिया है ममाज डे। और दा चन के करी मैं कुछ नहीं, मैं काम वो केवत में बाल्टी दियोनो, केवत में परा दियोनो, केवत में सामान दियोनो। अच्छा, हम सब परिवार मिलके अच्छा खाना बना रहे हैं। ठीक तैयारी है ना, लेंटर कौन हो। अच्छा अब ले आए मत भेली। गाइस, यहाँ पर शुरुआत हो गई है लेंटर पढ़ने से। सबसे पहले ऊपर सीमेंट की पता नहीं क्या कर रहे हैं सीमेंट, और ऊपर पर टाइटन भी जा रहा है। अब टाइटन नीचे निकल गया है। टाइटन ले आ, आ, ये पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ और यहाँ पर बन रहा है मस्त दुकान। टाइटन फिर चला गया और यहाँ पर सारे काम कर रहे हैं अपना अपना। आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे पढ़ता है लेंटर, मैंने खुद नहीं पता मुझे, पर देखते हैं। अरिया, और यहाँ पर हम भेली खा रहे हैं, भेली पार्टी। तो गाइस, ये देख सकते हो आप, कुछ ऐसा व्यू है। और मम्मी ये बना रहे हैं रोटी, यहाँ पर चाची बेल रही है और दादी गोली बना रही है, और टाइटन
टाइटन उग्रवादी वाले काम कर रहा है, एक जगह पर नहीं बैठा जा रहा है इसे। चाची ते पानी लगी वाली प्यास, ए पिया ते पानी दे बल। तो गाइस अभी यहाँ पर काम चल ही रहा है, सब लोग अपने काम पर लगे हुए हैं और देख सकते हो आप कितने सारे लोग लगे हुए हैं लेंटर करने में, क्योंकि पता नहीं। गाइस लेंटर ऑलमोस्ट मतलब पड़ ही गया है और यहाँ पर सबको खाना खिलाया जा रहा है। सो गाइस यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। तो गाइस लेंटर सब कुछ पड़ चुका है, सबने खाना भी खा लिया है और अभी हो गया है शाम का टाइम। और ये दो बंदरी यहाँ पे क्या करें मैं बताती हूँ। ये देखो सस्ता बजना, टाइटन टाइटन बुक शेर उले बुक करना चाहते हो? हाँ जी, आज हम ना बहुत काम करें, लेंटर से पढ़ो और सर्ग भी इनसे हो इनकी बार खोने, अभी बहुत चिंता से होनी। हम रोटी बने, दाल बने, भात बने, सब लोग पे खवाए पिवाए सब घर चले ने, और हम तभी अब शांति मिली काम कर पूरी थे, सब काम बड़े हुई। के अंदर का व्यू आप लोग देख सकते हो, यहाँ रखे हुए लड्डू बूटे, कुछ ऐसा है ये। क्या कहना चाहते हो आप? इसका घर बनाया है हमने। कौन है अंदर? बूटे। अच्छा जा तू भी जा तू है प्योट। जा मैं भी उड़ो रिया प्यारी बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी इस ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में, इसके क्या यूजेस है एंड इसमें क्या क्या चीजें रखी हुई है। सो ये ज्योमेट्री बॉक्स यूज होता है मैथमेटिक्स में, चैप्टर प्रैक्टिकली ऐसे मतलब जो डायग्राम वाले जो फिगर वाला चैप्टर होगा मैथ्स में, तो उसमें ये काम आता है। इसमें बहुत सारी चीजें है, मैं आपको बताती हूँ। रुक जा रुक जाओ। सबसे पहले ये है, रहता है खाली बॉक्स एंड यहाँ पर लिखा हुआ है शेप योर क्रिएटिविटी। इसके बाद ये होता है ये शेपर, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इन चीजों के हिसाब से इस पर ये बॉक्सेस ये स्पेस है। सो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ एकदम सेट। सबसे पहले हम इसमें रखने वाले हैं रबर एंड सॉफ्टर एंड इरेजर, ठीक है? ये दोनों बराबर होते हैं और हम इन दोनों में सबसे पहले रबड़ कटर ज़्यादा मोटा है तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसकी रबड़ की रेंथ ज़रा बड़ी है तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हम कंपास को लेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो कंपास है, पहला तो ये दूसरा ये। पहले वाले को हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे करके, फिर दूसरे वाले को यहाँ, फिर हमारे पास स्केल आती है, फिर ये प्रोटेक्टर, उसके बाद ये ट्रायंगल, पता नहीं क्या क्या है। तो इनके हिसाब से यहाँ पर शेप दिया गया है।
सो अभी मैं इनको सेट कर देती हूँ, मैं लास्ट में पूछूंगी ठीक है कि कौन सा क्या है। ओके तो यहाँ पर इसको रख देते हैं ऐसे करके, क्योंकि यहीं पर इनकी जगह बना रखी है बनाने वालों ने। यही लग गाइस फाइनली लैंटर पड़ गया है, ये पता नहीं कब पड़ा, दिन में पड़ा शायद, और मैं उस टाइम पर सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पेट में दर्द, और तब पापा दवाई लाए, उसके बाद खाई, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद सो गई और ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई मैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल वाली पार्टी को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।